शुक्रवार के दिन एक चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आया, जिसे भारतीय सेना ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस सैनिक को तुरंत वापस किए जाने की मांग चीन ने की है। कोरोना से जूझते भारत में अब परिंदों की मौतों से दहशत बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिमाचल से केरल और गुजरात से महाराष्ट्र तक कई राज्यों से पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के दौरान एक बड़ा खुलासा किया। नीतीश कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। उत्तर भारत में ठंड का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 11 से 13 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बन सकती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चित्रकूट में कामतीगिरी की परिक्रमा और भगवान कामतानाथ के दर्शन करने पर तंज कसा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता में अब इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव पहले क्यों नहीं गए। यूपी के सीतापुर में लखीमपुर से बीजेपी के विधायक शशांक वर्मा और स्थानीय लोगों में मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गार्नर को सुरक्षा की दृष्टि से एक्शन में आना पड़ा। जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर आ गई। रायबरेली जिले में सुपाड़ी किलरों से एसओजी और पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। वहीं उसका साथी पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को कोरोना का वैक्सीन फ्री लगवाएगी। ऐसा पहली बार होगा कि जब 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर अयोध्या की झलक दिखाई देगी। इस बार राजपथ पर परेड के दौरान अयोध्या के प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल के साथ श्री राम के चरित्र को प्रदर्शित करने वाली झांकी दिखाई जाएगी। कुंभ मेले के जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विचार विमर्श कर नगर प्रवेश, भूमि पूजन, धर्म ध्वजा और पेशवार्ड की तिथियां घोषित कर दी हैं। तीनों अखाड़े एक साथ ही शाही स्नान करते हैं।